डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए, उसमें मैंने सोचा कि ढेर सारे क्वेश्चन है, क्यों ना आपके सवालों का जो है जवाब एक वीडियो में दे दिए जाए। आप सभी को पता है कि DSSB फार्मासिस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट थोड़े दिनों में फुली तरीके से रिलीज कर दिया जाएगा और 13 फरवरी से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आप सभी के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो कमेंट बॉक्स मैंने देखा तो उस पर एज लिमिट क्या है सर, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, PCM PCB का क्या कॉन्सेप्ट है सर, रिजर्वेशन किसको मिलेगा सर, बहुत सारी, बेस्ट कोर्स कौन सा है, खुद से कैसे प्रिपरेशन करें, आपके पास कोई कोर्स वगैरह है, सारी चीज़ें, वो सब सूचना जो है मैं एक एक करके इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी योर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सेशन। उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी को बता दूँ कि DSSB के लिए जिस कोर्स के लिए आप देख रहे थे वो कोर्स हम आज और इसी वक्त से रिलीज कर रहे हैं संकल्प बैच के नाम से फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर, जस्ट एट ₹999। वीडियोज, नोट, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज बीइंग देयर। उसके बारे में वीडियो में हम लोग बाद में बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन इशू जो हमारा है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सारे डाउट आपके इस सेशन में क्लियर होने वाले हैं जितने भी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर भी मैं छोटी छोटी वीडियो बना के रिजॉल्व कर दूंगा। दूसरा मकसद मेरा वीडियो बनाने का ये भी है क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे मेंटली परेशान हो रहे थे कि सर हमारी एज लास्ट क्राइटेरिया है, हमें रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ी उहापोह स्थिति है, कन्फ्यूजन है कि सर तैयारी करें नहीं करें, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है, एज रिलैक्सेशन का नहीं है, रिजर्वेशन का कुछ क्राइटेरिया कुछ क्लियर नहीं है, PCM PCB का कुछ क्लियर नहीं है। तो आप ढंग से तैयारी खुद से भी नहीं कर पा रहे हो, ना आप किसी कोर्स में रजिस्टर्ड कर पा रहे हो, ना आपने तैयारी को एक दशा और दिशा दे पा रहे हो आप। तो मुझे लगा कि आपके डाउट्स क्लियर करने चाहिए, तो आज इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको स्किप मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं देने वाला, कुछ भी फालतू का इसमें बकवास नहीं है, सब की पॉइंट्स हैं। एक चीज मैं और आपको अपडेट दूं कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये पिछली वैकेंसी जो मेजर 2020 में आई थी उसके बिहाफ पर जानकारी दे रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट सब चीजें सेम रहती हैं। हाँ, अगर कुछ माइन्यूट चेंजेस होंगे तो वो जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये भी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको पिछली वैकेंसी के आधार पर दे रहा हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, अपनी तैयारी कर सको सारी चीजें, क्योंकि ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू बी द सेम। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट 2020 का, 1/2020, जनवरी में वैकेंसी आई थी, फरवरी में भरा गया था और थोड़ा सा एग्जाम क्योंकि कोविड वगैरह का सारी चीज़ें थी तो मामला थोड़ा सा डिले हो गया था। और आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी होता रहता है बीच बीच में कुछ रीजंस की वजह से, तो उसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी बहुत डिले हो गई। इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट जो निकल के आता है कि हियर पे ग्रेड इज 4200, क्लास सी की नौकरी है फार्मासिस्ट को ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट 2800 पे ग्रेड दे रहे हैं लेकिन इधर पे 4200 पे ग्रेड, सो सैलरी इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर DSSB। और सबसे बड़ी बात है ये क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है तो आपकी नियुक्ति दिल्ली में होने वाली है, अलग अलग एरियाज में, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति होने वाली है। तो ये वाली बात थोड़ी सी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो पे ग्रेड इज 4200 रुपीज, इट्स अ गुड सैलरी, मोर देन 50,000 यू आर गोइंग टू गेट। दूसरा जो कंफ्यूजन है वो सर डिप्लोमा फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल है, हायर क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबल है, एक ये बात, क्या सर इनके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो बात भी हम जो है बात करने वाले हैं, उस पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी मैं देना चाहूंगा। तो आप देखेंगे फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है यहां पर क्या लिखा हुआ, डिप्लोमा इन ट्रेड, तो ट्रेड आपका क्या है, फार्मासिस्ट, फार्मेसी है आपका, तो उसमें डिप्लोमा। पूरे इंडिया में आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया इज डिप्लोमा, उसके आप ऊपर बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, PhD कोई भी बन सकता है लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया इज डिप्लोमा। और डिप्लोमा और बी फार्मा करने के लिए मैथ स्ट्रीम वाले भी एडमिशन लेते हैं, बायो स्ट्रीम वाले भी एडमिशन लेते हैं। जब हमारी सारी क्राइटेरिया डिप्लोमा और बी फार्मा पर निर्भर है तो हमने PCM से किया, PCB से किया है, उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता है, ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया, और क्योंकि देखिए आप, हमने रेमेडियल मैथमेटिक्स, रेमेडियल बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, मैथ वालों को बायो, बायो वालों को मैथ पढ़ाया जाता है ताकि एक बेसिक जानकारी हो सके, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ इशू होगा भी तो वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ कहीं मैंशन है ही नहीं, तो जब नहीं मैंशन ना तो हम क्यों उस इशू को माने, जब तक कि वो क्लियर कट इंडिकेशन ना हो, कहीं मैंशन ना हो, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यानी कि डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस या फिर बी फार्मा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर एम फार्मा, ये लोग एलिजिबल है। तो यहां पर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है लेकिन कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि यहां पर इसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में नील मांगा हुआ है। इट मींस कि इफ यू आर ए फ्रेशर कैंडिडेट डिप्लोमा और बी फार्मा यू आर एलिजिबल,
तो आप इसको दे सकते हो, आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। तो जो लोग एक्सपीरियंस वाले अच्छी बात है, जो नहीं है वो भी भर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर नील मांगा हुआ है। पे स्केल मैंने ग्रुप सी की है, 4200 पे ग्रेड की है। एज लिमिट देखिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना जरूरी है, वो ट्रांसफर होता है सेंट्रल में, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं कहीं का भी रहने वाला हूं, मैं अगर मैं चाह रहा हूं तेलंगाना को, मैं दिल्ली में देना, डेफिनेटली आई कैन गो फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहां पर आप देखेंगे 18 से 35 ईयर, 18 क्यों रखा, क्योंकि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 18 ईयर्स, और मैक्सिमम आप इधर 35 विदाउट रिजर्वेशन पॉलिसी। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, रिजर्वेशन हमेशा दैट इज लिमिटेड टू दैट रेजिडेंस ओनली दैट आर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां पर रिजर्वेशन अप्लीकेबल होता है। आप बिहार के रहने वाले, बिहार के लिए रिजर्वेशन अप्लीकेबल है, दिल्ली के लिए, यूपी के लिए। बाहर के कैंडिडेट दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल, ठीक है, तो इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल एज क्राइटेरिया इज 18 to 35। अगर आप जनरल कैटेगरी के अदर स्टेट के, तो आप 35 तो दे सकते हैं। एक दिन भी, दो दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो यू आर नॉट एलिजिबल, साफ है उसमें लिखा हुआ है सारी चीजें। तो 18 to 35, लेकिन एज रिलैक्सेशन गिवन एज पर द टाइम टेबल इन पैरा 6। तो एज रिलैक्सेशन उन्हीं को दिया जाएगा, या रिजर्वेशन पॉलिसी वहीं के लिए अप्लीकेबल होती है जहां के लोग बासिंदे होते हैं जनरली, तो वहां पर सारी चीजें। तो 18 to 35 इज द नॉर्मल एज क्राइटेरिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई 30 नहीं है, कोई 28 साल नहीं है। लोग अपवा उड़ा 27 साल हो गया, भाई साहब वो ESIC के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में बात नहीं हो रही थी, और अभी हुआ नहीं है, लोगों ने उस पर रिप्लाई कर दिया है। IAS बनने के लिए 32 तक ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं एज, तो यहां पर कैसे हो सकता है 27 साल। तो 18 से 35 है, इस बात पे बिल्कुल क्लियर रहिए। चलिए एज वाला डाउट वो हो गया सारी चीजें। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन वेरियस कैटेगरी, चाहे SC ST OBC EWS हो, उनको एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार में जो निवास कर रहे हैं, जिनका कागज पत्र सब वहीं से बना हुआ है, जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना हुआ है, उनके लिए अप्लीकेबल है। इट मीन्स कि बाहर वाले दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अगर आप बाहर वाले हैं, आपने अपनी कैटेगरी में भर दिया, तो आपका फॉर्म निश्चित रिजेक्ट होना है। और अगर आपकी एज क्राइटेरिया भी नहीं है, आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाना है, ये तय है। तो ऐसा मत, आप क्लियर करके भरिए सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, ओरिजिनल आईडी, आधार कार्ड ले जाना है प्रूफ के तौर पर एग्जामिनेशन में, ये पूरी दुनिया को पता है। 100 रुपये के करीब फीस लेते हैं, फीस बहुत ज़्यादा इनका नहीं रहता है। अब ये देखिए, जो मोड ऑफ सिलेक्शन होता है ना इनका, दो तरीके से होता है। एक तो ये एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें ये 1 tier 2 tier, डिपेंड करता है कि किसमें 2 tier कराने वाला है, किसमें 1 tier कराने वाले हैं, डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट। स्किल टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फार्मासिस्ट में जनरली ये स्किल टेस्ट नहीं कराते, मेरिट के बेसिस पर ये करा देते हैं एग्जामिनेशन लेके। 2014-15 की वैकेंसी आप देखेंगे तो OMR वाले में इन्होंने करवाया था उसमें। अब जो हुआ है 2021 में एग्जामिनेशन हुआ 2020 वाली वैकेंसी का, उसका ऑनलाइन कराया था। मैं पेपर सही सब आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैंने कहा ना, एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो, यू कैन नॉट स्किप। चलिए, जो लोग ये कहते हैं कि सर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, बिल्कुल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, क्लियर कट लिखा हुआ हुआ सारी चीजें। लेकिन जो चीज, जैसे मान लीजिए GS वाला पेपर, उसमें अंग्रेजी है तो अंग्रेजी थोड़ी ना हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में आएगी, हिंदी हिंदी में ही आएगी, तो वो सारी चीजें वहां पर सेम रहेगी सब चीजें, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ, तो हो सकता है कि अलग डेट दिन भी एग्जाम है, या हो सकता है सेम डेट हो गई, ये भी हो सकता है। तो कुछ इनका क्लियर नहीं रहता कि नहीं एक ही दिन करा देंगे, अलग अलग करा देंगे, तो वो अपने रिस्क पे आप लीजिए। लेकिन हाँ, ये मोर देन आप वन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं रिलेटेड के लिए, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सा आप पहले जाना चाहेंगे, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब अब देखिए, टीयर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखेंगे, जो DSSB का है, DSSB का, उसमें आप देखेंगे दो चीज़ें हैं। एक तो फार्मा पोर्शन, एक नॉन फार्मा पोर्शन, और 50-50% देखने को मिलेगा आपको, आधा फार्मा देखने को मिलेगा, आधा नॉन फार्मा मिलेगा। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो ट्रेंड देखा गया वो 50-60% के बीच में, नियर अबाउट 50% के आसपास कट ऑफ होती है। अगर कोई चीज 200 नंबर की, 100 के आसपास कट ऑफ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 50% के आसपास कट ऑफ होती है पिछली रही थी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है इसमें सारी चीजें। तो आप दो सेक्शन देखेंगे, जैसे टीयर जो भी एग्जामिनेशन कराएंगे, तो उसमें एक सेक्शन ए दिखेगा, एक सेक्शन बी दिखेगा। तो सेक्शन ए आपका क्या होगा, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, और सेक्शन बी जो है आपका ट्रेड वाला है, वो सारी चीज़ें अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 tier application, ठीक है। ये सब सेक्शन बी 1 tier वाले में करा रहे हैं, जहाँ पर
अदर टीयर्स के उसमें सेक्शन ए बी इस तरीके की उन्होंने बांट दिया है। फिलहाल आप इतना बस समझ लीजिए कि जो डी ट्रिपल एस बी का है उसमें फार्मा नॉन फार्मा दोनों आने वाला, बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है। और आप नॉन फार्मा में देखेंगे जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वगैरह पे, फिर ये मैथमेटिक्स टेंथ लेवल के बहुत बेसिक क्वेश्चन आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट और ये सब, कोई बहुत बड़ा है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा। आप क्या करते हो, डर के मारे एसएससी की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स, और हमने तो कवर किया है फार्मा पाथफाइंडर सब पे, जो संकल्प बैच है उसमें सब कुछ कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बड़ा ईजी होता है सब चीज़ें करना, वो सब ट्रिक जब आपको टीचर बताएगा तो आप कर ले जाओगे इजिली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जो लोग कहते हैं सर मैं बाहर के स्टेट हूँ क्या भर सकता हूँ, यहाँ साफ लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भैया इंडिया के तुम किसी भी कोने में हो, एकदम लास्ट गांव के हो, आप आराम से भर सकते हो फॉर्म। एनी कैंडिडेट दैट इज रिसाइडिंग इन इंडिया डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी कैन अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें जो भी हैं वो लास्ट डेट से डिसाइड होती है। तो सर मेरी एज खत्म हो रही है, नहीं हो रही है, आप वेट करिए, जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट आप देखिए 13 मार्च दिया था उसमें जो एडवर्टाइजमेंट, तो दैट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ डेट। तो आपका एज है नहीं है, एक दिन से दो दिन से कितना दिन कम है ज़्यादा है, ये सब किस बात पे निर्भर करेगा, लास्ट डेट पे। इसीलिए उन्होंने लास्ट डेट बता दिया हुआ ताकि आप अपना पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, मुझे तैयारी करना है नहीं करना है क्या करना है, ठीक है। बड़ा हुआ आपको की स्थिति थी, और पूरे यूट्यूब पर देख रहा है, बड़े दुख की बात है कि सब लोग खाली व्यूज के पीछे भागते हैं, कोई जरूरी सूचना नहीं देता है, ठीक है। सनसनीखेज बना देते हैं लेकिन उसमें कुछ भी जानकारी बच्चों को मिलती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको सब कुछ मिलने वाला जानकारी। तो कोई भी अदर स्टेट का, एवरीबडी इज गोइंग टू बी एलिजिबल, आप डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी भर सकते हैं, बाहर के लोग भी भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो दिल्ली के बासिंदे हैं, जिनका कागज दिल्ली का है। चलिए ये देखिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स पे एक एक चीज़ में, ये कहाँ से लेके आओ, ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट से। कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में जितने भी है, अकॉर्डिंग विद द ऑर्डर सर्कुलर इशूड फ्रॉम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, तो दिल्ली सरकार द्वारा जो जारी है जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी उसी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय द एनसीटी दिल्ली, ये सारी चीजें विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड। तो मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मान लीजिए मैं तेलंगाना से, वहाँ ओबीसी हूँ, तो मैं दिल्ली में भी ओबीसी नहीं भर सकता, मेरे को उधर जनरल भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जीएनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, उन्हीं का जो दिल्ली सरकार के तहत जो जारी हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट वही वैलिड होगा, बाहर का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। गड़बड़ नहीं करना है फॉर्म भरते वक्त। आउटसाइड स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल, रिजर्वेशन इज लिमिटेड टू द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये बात आपको क्लियर कट समझ लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए उसमें रोस्टर प्रणाली के तहत रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं वो सब। अब उसमें कोई मान लो एस सी एस टी का कैंडिडेट, लेकिन उसने टॉप कर दिया, उसने रैंक वन ला दी, तो अभी उसको प्रमोट करके वो जनरल में दिखा देंगे, उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो वो रोस्टर प्रणाली वगैरह सारी चीज़ें यूज करते हैं वो सब। एज रिलैक्सेशन क्या है, एज को लेकर बड़ा सी आप आए कि सर मैं 35 साल से एक दिन ऊपर हूँ, मैं कम हूँ ज़्यादा हूँ क्या करूँ। तो जब एज रिलैक्सेशन आप देखेंगे एस सी एस टी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स है, ये सब सारी चीज़ें। तो आप अच्छे से थोड़ा सा, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। एज रिलैक्सेशन, तो ये एज रिलैक्सेशन है, ठीक। नॉर्मल एज इज 18 to 35, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में हैं और दिल्ली के निवासी वगैरह हैं, आपका सर्टिफिकेट है वहाँ का दिल्ली का ओबीसी का, तो आप एज रिलैक्सेशन ढूंढ सकते हैं। रिलैक्सेशन आप किस पे ढूंढोगे, सर्टिफिकेट के बेसिस पर, और सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार द्वारा निर्गत जारी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये सब चीज़ें। जब भी कभी क्वेश्चन या कुछ भी आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, हिंदी इंग्लिश या पंजाबी उर्दू जो भी हो, लेकिन हमेशा मान्यता किसको, अंग्रेजी को दी जाती है, क्योंकि उसमें क्लियर कट सारी चीज़ें होती है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे फॉर्म भरते वक्त हो, कोई भी चीज़ हो। वन टीयर में आप देखेंगे तो इधर पे फार्मेसी में आपको वन टीयर देखने को मिलेगा, इधर पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए वन टीयर करा रहा है, तो 9/20 जो कि फार्मासिस्ट की पोस्ट थी, वन टीयर एग्जामिनेशन करा रहे हैं, और वन टीयर में दो सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और मैथ वगैरह, इंग्लिश और ये सब सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसमें हर ये आप देखेंगे 5 सेक्शन है, तो 5 × 20 इसका मतलब 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। इधर और इधर आप देखेंगे 100 मार्क का, ये यानी कि 200 मार्क का आपको पेपर देखने को मिलेगा। एक मिनट दीजिए जरा मुझे आप थोड़ा सा। ठीक है,
200 मार्क का टोटली दिखेगा, 100 का फार्मा दिखेगा, 100 का ये वाली बात नॉन फार्मा दिखेगा आपको, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यूज आंसर, ये सब। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप देखिए यहां पर, फॉर वन टीयर या टू टीयर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन इज एज पर दिस पर्टिकुलर। जनरली के लिए आपको 40% लाना पड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा कि नहीं फार्मा में 40% लाना पड़ेगा, नॉन फार्मा में 40% लाना पड़ेगा। जब ये नहीं लिखा है इसका मतलब कि ओवरऑल की बात कर रहे हैं। इसमें भी बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग, लगाना होता नहीं है इतना। जनरल 40%, ओबीसी दिल्ली 35%, ये सब ठीक है। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन, ये सब सारी चीजें ठीक है, ये सब। स्किल या एंड्योरेंस टेस्ट तभी लिया जाएगा नेचर ऑफ द जॉब के हिसाब से, तो यहां पर ये चीजें। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो लाना है वो ओवरऑल है, ये सब सारी चीजें ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूं जो ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा कहां गया, ये रहा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, देखिए मैंने सब यहीं से लिया हुआ है ठीक है। तो जो भी मैंने दी है जानकारी दैट इज 100% ऑथेंटिक। मैं कभी भी फर्जी और फेक वीडियो ये सब चीजें नहीं बनाता हूं, नहीं सूचना रहेगी तो नहीं बनाऊंगा, सूचना जब रहेगी और 100% श्योर हो जाऊंगा जल्दीबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाता हूं। हाँ अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूं, वैसे मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होता है, पूरी जानकारी के साथ ले आता हूं। फिर भी कभी जांच होती है कुछ भी, अगर कुछ समझ में आता है मेरे को, अगर मैं जब जांचता उसको चेक करता हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूं ठीक है। चलिए तो ये पूरा मैंने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से लिया है एंड मैक्सिमम इज गोइंग टू बी द सेम। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ठीक है। तो एक एक करके सेक्शन हम लोग जो है देख लेते हैं। अब जरा मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो एक स्टूडेंट ने दिया हुआ है और 18 नवंबर 2021 को पेपर हुआ, ये देखिए पेपर इस तरीके का ऑनलाइन हुआ, ये सब चीजें देखिए। पेपर इज वेरी इजी, बहुत टिपिकल नहीं होता है, पता नहीं क्यों आप लोग इतना हवा बना देते हो। ये एसआईसी का थोड़ा सा पेपर टिपिकल आ गया तो सब लोग एकदम दिमाग में वही बैठ गया, नहीं ऐसा ही आने वाला है, हमेशा ऐसा नहीं होता भाई। चलिए ये देखिए, तो क्वेश्चन पेपर आप देखिए अलग अलग इन्होंने दिया हुआ, फार्मा नॉन फार्मा इस तरीके से। तो पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया ये सब सारी चीजें। नाउ टॉक अबाउट द कोर्स दैट वी आर हैविंग, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सारी चीजें ठीक है। DSSSB के लिए अभी से मैं रजिस्ट्रेशन ओपन कर दे रहा हूं, संकल्प बैच जस्ट एट 999 ठीक है, 999 में ये अवेलेबल है आपके पास ठीक है। पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग है ठीक है, इस प्राइस में, इस क्वालिटी में, क्वालिटी इज अनमैच बोल रहा हूं, तो बहुत दिल पे हाथ रख के भरोसे के साथ बोल रहा हूं। आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से ठीक है, एक बार आप जुड़ेंगे यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। AMCRE का रिजल्ट आया उसमें जो है 21 के आसपास जो है हमने ट्रेस कर पाए रिजल्ट, अभी और भी कितने होंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। 21 रिजल्ट हमने AMCRE में दिया, जो हमने दिया है हम उसी की बात करते हैं, फर्जी फेक डेटा की बात हम नहीं करते हैं ठीक है। हमेशा हम लोग वी ऑलवेज टॉक अबाउट सिलेक्शन रेशियो, कितने लोग बैठे, कितने लोग दिए, फिर कितने सेलेक्ट हुए, ये सब सारी चीज़ हम लोग बात करते हैं ठीक है। हवा हवाई बात नहीं करते हैं, वो सब फर्जीवाड़ा नहीं है, हमें टॉपर खरीदने का शौक नहीं है, टॉपर हम बनाते हैं और टॉपर हम कौन होते हैं बनाने वाले, टॉपर खुद लोग बनते हैं क्योंकि सबको नौकरी चाहिए होता है, उनकी जिंदगी होती है। तो ऑलवेज क्रेडिट गोज टू दोज स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, हमारा सपोर्ट होता है उतना हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। फीचर्स आप देखेंगे DSSSB के हिसाब से ये संकल्प डिजाइन है, लेकिन खास बात ये है क्योंकि इसका सिलेबस आप देखेंगे RRB से, ESIC से, CGHS से, AIIMS से, इन सब से मिलता जुलता है। तो आप इस कोर्स को मास्टरली सभी कोर्स के लिए आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अगली वैकेंसी जो लगने वाली है वो RRB की। तो एक कोर्स से आपको मल्टीपल फायदा मिलने वाला है, तो डेफिनेटली ऐसा क्यों, क्योंकि सिलेबस इज गोइंग टू बी सेम, लगभग सबका मिलता जुलता सिलेबस है। फार्मा नॉन फार्मा दोनों कवरेज है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं ठीक है। वीडियो लेक्चर्स लाइव होते हैं लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, तो आप कभी भी देख सकते हैं। शाम को 7:30 से 10:30 के बीच में क्लासेज आपको दिखेंगी, लेकिन फिर भी जो क्लासेज अगर मिस हो जाती हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप जॉब वाले हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो एनी टाइम यू कैन वॉच दिस वीडियोस। नोट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या बुक लेके पढ़ें कि नोट्स लेके पढ़िए। बुक अगर आपको पढ़ना है गो फॉर स्टैंडर्ड बुक, एक सिंगल हैंडेड बुक, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे GPAT की हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की हो, इट कैन ओनली असिस्ट यू, इट कैन नॉट अश्योर योर सिलेक्शन।
पूरे 2 साल का, पूरे 4 साल का बीफार्मा का सिलेबस होता है एक पतली सी बुक में, चाहे हम दें चाहे कोई भी दें, उसमें नई सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, जल्दीबाजी में चीज़ें कवर होती हैं उसमें, बात आप समझिए। तो वो बुक आपको असिस्ट कर सकती है लेकिन सिलेक्शन नहीं करा सकती, तो आपको डिटेल्ड नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और ये जो नोट्स हमने डिज़ाइन किए हैं वो 2 चीज़ों पर, वो मेनली मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे लैकमैन से लिया गया है, जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस का एनके जैन से, तो आप जो स्टैंडर्ड किताबें आप खुद पढ़ने वाले वो खुद हमने एफर्ट डाला हुआ है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैं अनमैच क्वालिटी बोल रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो यू विल एक्चुअली फील इट। टेस्ट सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने लगाया है कि अगला कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे, कितना टाइम आपने लगाया, कहाँ कमजोरी रह गई है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, उसको सब चीज़ आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। मास्टर वीडियो का कॉन्सेप्ट, एक वीडियो में पूरी कोग्नोसी, ऐसा भी वीडियो मैंने बना के दिया है, एक उसमें पूरा पूरा जूरिस्प्रूडेंस खत्म, एंड आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ऐसा पॉसिबल है, मैंने ऐसा कर दिखाया है और किया है इसमें। तो कोर्सेज आपको मास्टर वीडियो भी ऑफलाइन आप डाउनलोड करके वीडियोस को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नेट का फ्लक्चुएशन कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड नेट के साथ है फिलहाल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपका हर जगह पैसा बचा ही रहे हैं, आप कहीं आते ऑफलाइन सारी चीज़ें करते, सेम कोर्स आपको महंगा भी पड़ता, आप आते जाते रूम लेते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फिर लैपटॉप एक्सेस के साथ हम दे रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको लैपटॉप आईफोन एंड्रॉयड जिन पे चाहिए सब पे एक्सेस है, जस्ट एट 999। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह सारी चीज़ें शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐप का भी लिंक मिलेगा, कोर्स का भी लिंक मिलेगा, सब कुछ आपको उधर मिलेगा, ये सब सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कौन से ऐप पर? फार्मा पाथफाइंडर जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, ताकि उनको सूचना पूरी तरीके से रहे, ठीक। तो फार्मा पाथफाइंडर्स, अब मैं iOS का थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, जो लोग एप्पल का या मैकबुक यूज करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो इस ऐप डाउनलोड, देखिए एंड्रॉयड पे और लैपटॉप पे, लैपटॉप पे एप्लीकेशन नहीं चलते हैं, लैपटॉप पे सीधे वेब लॉगिन चलती है, तो उसका प्रोसेस अलग है। आप मुझे उसके लिए 9519980214, ये मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको लैपटॉप एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। iOS के लिए सबसे पहले आपको माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जो है कोड डालेंगे RBZQT डालेंगे तो फार्मा पाथफाइंडर ऐप खुल जाएगा और वहां से आप सारी चीजें, बट याद रहे जब आप लॉगिन करें तो लॉगिन एज पेरेंट मत करिए, अदरवाइज आपको कोर्स दिखेगा नहीं, आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो लॉगिन एज पेरेंट मत करिए, डायरेक्ट लॉगिन करिए, यू विल बी एबल टू लॉगिन एंड यू विल बी एबल टू सब्सक्राइब। एंड्रॉयड पे गूगल प्ले स्टोर में इजिली है, वहां पर आप फार्मा पाथफाइंडर्स डालिए, फार्मा पाथफाइंडर्स, ठीक, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप डालेंगे, कैप्सूल वाला आइकन बन के आ जाएगा इस तरीके का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये सब सारी चीजें। तो कोर्स के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, कुछ और महत्वपूर्ण सूचना आपको थोड़ा सा दे ही देता हूं, ये रहा देखिए संकल्प बैच, ये सब वन ऑफ आवर पॉपुलर कोर्स है जो ट्रेंड में है पूरे इंडिया में, चाहे वो SSSC का हो, चाहे उत्तराखंड DI हो, चाहे गुजरात DI का हो, चाहे UPSC DI का हो, दीज आर द ट्रेंडिंग कोर्सेज इनसाइड द इंडिया, चाहे वो GPAT का बैच हो, ट्रेंडिंग है ये पूरा। फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन है, कैप्सूल आइकन बन के आएगा इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि इन्वेटर्स अड्डा पे बहुत सारी वीडियो आती हैं, आप इसको यूज़ करिए सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने जो पूछे थे, मैं उसके बिहार पे ये वीडियो पूरी बनाया मैंने। टूटैक्सो हमारा जो सेकंड चैनल, उस पर जॉब अपडेट, करियर गाइडेंस वगैरह, इसको रिसेंटली मैंने किया है, तो आप इसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट करने वाले हैं, तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। दिस टू चैनल्स आर गोइंग टू डेफिनेटली चेंज योर मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो इसको अच्छे से यूज़ करिए, मैं यही आपसे कहूँगा। तो आज के इस वीडियो में यही रहने देते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे बता दी, शेयर कर दी, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, उस पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।